अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो कंपाउंड होता है वो परफेक्टली आयनिक नहीं होता है, ठीक है। जैसे दुनिया में कोई भी पर्सन जो है वो आइडल नहीं होता है, हर बंदे में कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की, तो हम बोले कि ये वाला बॉन्ड एकदम आयनिक होगा, तो ऐसा नहीं होता है। किसी ना किसी कंपाउंड में कुछ ना कुछ खराबी होती ही है, जैसे किसी ना किसी बंदे में कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो वैसे ही कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता। तो किसी में कितना आयनिक करेक्टर है, कितना कोवेलेंट करेक्टर है, ये कैसे बताया जाए? तो इसके लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल्स आए। तो जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास फजांस रूल। सो फजांस रूल को पढ़ने से पहले जो हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, तो एक दो प्रॉपर्टी में ध्यान रखनी है। पहली बात तो कंडक्टेंस। देखो, जो आयनिक कंपाउंड है अगर वो सॉलिड है तो इट इज नॉन कंडक्टिव। सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड कंडक्शन नहीं करते हैं। अगर वो एक्वा सॉल्यूशन में है या मोल्टन फॉर्म में है, तो इस केस में क्या होते हैं, दे बिकम कंडक्टिव, ठीक है। सो फर्स्ट इज द कंडक्टेंस, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें देर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है इसमें, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सो एनी कंपाउंड हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसे दुनिया में कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही कोई भी आयनिक बॉन्ड परफेक्टली आयनिक नहीं होता है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं कि कौन सा बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है, कितना कोवेलेंट करेक्टर है, कौन किससे कम आयनिक है, कौन किससे ज्यादा आयनिक है, कौन किससे कम कोवेलेंट है, कौन किससे ज्यादा कोवेलेंट है, ठीक। तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास, हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज फजांस रूल, ठीक है। फजांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द आयनिक कंपाउंड्स, और इसमें से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फजांस रूल। सो टॉपिक इज फजांस रूल, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो फजांस रूल का यूज क्यों किया जाता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट करेक्टर रहेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम फजांस रूल का यूज करते हैं, ठीक है। सो पहले तो इसकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन का मतलब फजांस रूल बात क्या करता है, किसके बारे में बात करता है, पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट द फजांस रूल टेल्स। तो फजांस रूल जो होता है क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द परसेंटेज, परसेंटेज कैन से द परसेंटेज भी नहीं, इट इज एक्चुअली ए क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव रूल, ठीक है। तो इट बेसिकली टेल्स कि कौन किससे ज्यादा आयनिक है, कौन किससे कम आयनिक है। ये कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं देगा कि ये से 10 गुना आयनिक है, ये से 4 गुना आयनिक है, और इट इज क्वालिटेटिव, इट इज नॉट क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो देखो, एक पॉइंट ध्यान रखना है हमें, मैं इसको लिख देता हूं, इट इज क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। कोई भी कंपाउंड किससे कितना गुना ज्यादा आयनिक है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, ये फजांस रूल नहीं बताता है। फजांस रूल बस इतना बताता है कि ये इससे ज्यादा आयनिक है, कितना गुना आयनिक है ये नहीं बताता है, ठीक है। तो फजांस में हमें तीन जो इसके रूल्स हैं वो याद रखने हैं, और उसी रूल के बेस पे जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रूल इज स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, मोर विल बी पोलराइजिंग पावर एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। देखो, समझ लेते हैं इसको। सपोज तो मेरे पास एक कटायन है जो कितना बड़ा है, और दूसरा कटायन इतना बड़ा है, ठीक है। इनके सामने एक अनायन है जो कि इतना बड़ा है, ठीक है। अब देखो, अगर खींचने की बारी आई तो कौन ज्यादा खींचेगा, देखो उसमें प्लस है ये,
तो प्लस है तो इसका न्यूक्लियस क्या है, पास में बैठा हुआ है, इसमें प्लस इसका न्यूक्लियस क्या है, दूर हो गया। तो जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, जो क्योंकि इसका न्यूक्लियस पास में है तो ये इसे क्या कर लेगा, ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जबकि इस केस में क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो गया, दूर हो गया। तो जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर हो गया तो ये इसे अपनी तरफ क्या कर पाएगा, बहुत ही कम खींच पाएगा। जब बहुत ही कम खींच पाएगा तो इस केस में जो खींच रहा है वो कम खींच रहा है, इस केस में क्या हो जा रहा है, ज्यादा खींच जा रहा है। और खींच जाना क्या होता है, मतलब थोड़ा शेयरिंग नीचे आ रहा है, इसने पूरा नहीं इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, बस क्या हो रहा है, खींच जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कटायन की तरफ थोड़ा चला जा रहा है, तो ये थोड़ा शेयरिंग नीचे आ रहा है इसमें, ठीक है। तो जितना ज्यादा छोटा कटायन होगा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा अनायन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर विल बी पोलराइजिंग पावर, दूसरों को पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा होगी कब, जब कटायन सबसे छोटा होगा। और जब ऐसा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर द कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। सो ये एक स्टार करके मैं लिख देता हूं, स्मॉल साइज ऑफ कटायन क्या होगा उस समय, मोर कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। स्मॉलर साइज मोर द कोवेलेंट करेक्टर, ऐसे क्यों होगा, क्योंकि जो पोलराइजिंग पावर होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सो सेकंड पॉइंट इज लार्जर द साइज ऑफ अनायन मोर विल बी पोलराइजिंग, मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। देखो जस्ट पहले वाले का उल्टा है, अगर कोई कटायन एक इतना बड़ा है और दूसरा इतना बड़ा है तो कौन ज्यादा खिंच जाएगा दूसरों की तरफ, ऑब्वियस बात है कि ये ज्यादा खिंच जाएगा दूसरों की तरफ, ठीक है। कोई अगर कटायन खींचना चाहता है इसे तो ये वाला जो है ज्यादा खिंच जाएगा और ये वाला क्या होगा, कम खींचेगा। तो ज्यादा खिंच जाएगा इसका मतलब इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो मोर द पोलराइजेबिलिटी मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, लार्जर द साइज ऑफ अनायन मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है ज्यादा होगी, खिंच जाने की क्षमता ज्यादा होगी। कटायन वाले केस में क्या था, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर विल बी पोलराइजिंग पावर एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर, जितना ज्यादा छोटा कटायन होगा उसको वो दूसरों को खींच लेगा, तो जब दूसरों को खींच लेगा तो ज्यादा कोवेलेंट। अनायन जितना बड़ा वो दूसरों की तरफ खींच जाएगा, और जब दूसरों की तरफ खींच जाएगा तो ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। तो कटायन खींच लेगा तब ज्यादा कोवेलेंट, अनायन खींच जाएगा तो ज्यादा कोवेलेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। दोनों में कोवेलेंट ज्यादा करना है, एक खींच ले रहा है दूसरा खींच जा रहा है, ठीक है। थर्ड इज मोर द चार्ज ऑन कटायन मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। जितना ज्यादा कटायन पे चार्ज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसमें, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये फैजान रूल के तीन पॉइंट हैं, ठीक है। तो फैजान रूल जो है, पहली बात तो इट इज क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। दूसरी बात, जितना ज्यादा कटायन छोटा होगा उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट करेक्टर होगा, क्यों, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है। जितना छोटा कटायन दूसरों को खींच लेगा तो ज्यादा कोवेलेंट, जितना बड़ा अनायन दूसरों की तरफ खींच जाएगा तो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट। तीसरा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये फैजान के तीन रूल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन करके आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक्चुअली फैजान रूल जो है वो कहने का चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के कटायंस मेरे पास हैं, तो ग्रुप फर्स्ट के कटायंस जो है, देखो हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो साइज है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज बढ़ता है तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ, यस लिथियम हैज द स्मॉलेस्ट साइज। तो अगर लिथियम का स्मॉलेस्ट साइज है तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर है, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या है, हाईएस्ट है। साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस पास में बैठा है, सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा, न्यूक्लियस बहुत दूर है, तो इसका अगर साइज क्या है, सबसे छोटा है, तो ये कटायन को क्या कर सकता है, मैक्सिमम खींच सकता है अपनी तरफ। तो जब मैक्सिमम खींच लिया तो क्या हो गया, मैक्सिमम कोवेलेंट हो गया। तो इस केस में अगर मैं कोवेलेंसी देखूं तो लिथियम सबसे ज्यादा कोवेलेंट, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो सीजियम जो है क्या है, इट इज लीस्ट कोवेलेंट, ठीक है। उल्टा बोल दें, इट इज मोस्ट आयनिक, ठीक है। दोनों तरीके बता सकते हैं इसमें, हम कोवेलेंट ज्यादा कौन है, कोवेलेंट कम कौन है, आयनिक ज्यादा कौन है, आयनिक कम कौन है, ये सारी चीजें हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये मेरे पास तीन है, क्लोराइड कॉमन है तो क्लोराइड को हटाओ, तो क्या बचा, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस। देखो सबसे छोटा कौन है इनमें, सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है, सबसे छोटा बेरिलियम, तो बेरिलियम जो है सबसे छोटा, तो इट इज मोस्ट कोवेलेंट। ठीक है, और बेसिकली सिंपल सी बात ध्यान रखने हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे जो आयनिक करेक्टर है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे जो आयनिक करेक्टर है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कम होगा, तो नीचे वाले कम कोवेलेंट होते हैं, ऊपर वाले ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। बेरिलियम क्योंकि ऊपर है तो क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट। या फजान सूत्र लगा लो सिंपल सा, बेरिलियम का सबसे छोटा, स्मॉलर साइज, पोलराइजिंग पावर क्या होगी ज्यादा, और ज्यादा पोलराइजिंग पावर तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा सबसे ज्यादा, स्मॉलर द साइज मोर विल बी पोलराइजिंग पावर एंड मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर कटाइन सेम है तो कटाइन को हटाओ, तो क्या आ गया मेरे पास, सीएल माइनस, बीआर माइनस, आई माइनस। सब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आयोडीन। ठीक है, तो जो अनायंस वाले केस थे उसके लिए क्या देखा था, मोर द साइज, मोर द साइज मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी एंड मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, मोर द साइज मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी एंड एस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें से जो साइज है वो सबसे बड़ा किसका है, साइज सबसे बड़ा है आयोडीन का, जो आयोडाइड है उसका साइज सबसे बड़ा, तो आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा तो वो दूसरों की तरफ ज्यादा खिंच जाएगा, और जब ज्यादा खिंच जाएगा तो इसलिए जो इसका कोवेलेंट करेक्टर है क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं NaCl, NaBr और Na I इन तीनों में कंपेयर करूं कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो आयोडाइड वाले जो कंपाउंड होंगे सबसे ज्यादा कोवेलेंट, और उल्टा बोल लें कि NaCl क्या होगा, सबसे ज्यादा आयनिक होगा, Na I क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में हमें ध्यान रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड दे आर लेस सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल है। ठीक है, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट देख लें, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, तो आयनिक कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो जो अभी क्वेश्चन के ऊपर वाला उसी में इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। लाइक सपोज करो मेरे पास LiCl, NaCl, KCl, ये तीन कंपाउंड हैं। अब मुझे बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है। ठीक है, देखो तो क्लोरीन कॉमन है, हटाओ इसे, तो क्या आ गया, Li+, Na+ और K+। तो इसका साइज क्या होगा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मोर द पोलैरिटी, ठीक है, दूसरों को खींच लेगा, और जो कोवेलेंट करेक्टर है वो क्या होगा, ज्यादा। तो लिथियम जो है उसके कंपाउंड कोवेलेंट होते, इतने कोवेलेंट होते कि पानी में जाके टूटते भी नहीं है कभी कभी। ठीक है, तो लिथियम जो है सबसे ज्यादा कोवेलेंट, और सबसे ज्यादा कोवेलेंट तो सबसे कम खुलेगा, तो सबसे ज्यादा कौन खुल जाएगा, अगर मैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे इसको अरेंज करूं तो LiCl, NaCl, KCl, तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे अरेंज करूं तो KCl जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, और LiCl जो है सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा। KCl जो है ये मोस्ट सॉल्युबल होगा, क्योंकि KCl सबसे ज्यादा आयनिक है, और ज्यादा आयनिक तो ज्यादा खुल जाएगा, लिथियम क्लोराइड कम आयनिक है, ज्यादा कोवेलेंट है तो सबसे कम खुलेगा। सेम सॉल्युबिलिटी की बात कर लें, सॉल्युबिलिटी देख लिया हमने, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो केसीएल जो है क्योंकि ज्यादा आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है, तो केसीएल का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है
ये भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक जैसे चलते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के ज्यादा होते हैं। लाइक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, बेरिलियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड, इसे बताना है हमें कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका हाईएस्ट है। देखो फ्लोरीन कॉमन है, हटाओ इसे, बेरिलियम 2+ मैग्नीशियम 2+। अब देखो दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, 2+, मगर बेरिलियम क्योंकि साइज में छोटा होता है, तो स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर विल बी पोलराइजिंग पावर एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तो इसका जो कोवेलेंट करेक्टर है वो क्या है, ज्यादा, और ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर इसका मतलब MgCl2 जो है इसका जो आयनिक करेक्टर है वो ज्यादा होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड का ज्यादा होगा, क्योंकि जो ज्यादा आयनिक होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम हटाओ, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ब्रोमाइड। अनायन केस में क्या देखते हैं, सेकंड वाला रूल, लार्जर द साइज ऑफ अनायन मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तीन रूल याद रखने हैं, अगर रूल याद है आपको तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो साइज सबसे बड़ा तो इसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट, ज्यादा आयनिक कम, इसका मतलब जो CaCl2 है ये क्या है, ज्यादा आयनिक है। और अगर ज्यादा आयनिक है तो जो सॉल्युबिलिटी है या मेल्टिंग पॉइंट है किसका ज्यादा होगा, CaCl2 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CaBr2। ठीक है, दोनों पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, दोनों ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NaCl और CuCl। देखो क्लोरीन कॉमन हटाओ, यहां पर क्या आ गया, Na+ और Cu+। ठीक है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये अलग से एक्सेप्शन आ जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि वो सारे कंपाउंड जिनके पास NH2, NP6 और ND10 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, उनकी जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगी तो उस केस में जो कोवेलेंट करेक्टर है, कोवेलेंट करेक्टर वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड अगर सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाती है, उस केस में उसका कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखो इससे रिलेटेड एक और चीज देख लेते हैं, एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, लाइक कॉपर है, तो कॉपर जो है अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन भरूं, 29 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, इस तरह भरता है। और क्योंकि ये ऑफ बुक का एक्सेप्शन होता है तो इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो फाइनली अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इसका, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। देखो अब इसमें 3s, 3p और 3d, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। देखो यानी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, NS2, NP6, ND10। कॉपर इस स्टेट में, मीन्स अगर कॉपर सिंगल प्लस की फॉर्म में है तो ये कहां पहुंच गया, सीडो नोबल गैस पे पहुंच गया। ठीक है, और अगर सीडो नोबल गैस से पहुंच गया तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी इस केस में, सबसे हाईएस्ट। और पोलराइजिंग पावर अगर सबसे हाईएस्ट हो जाएगी तो इस केस में जो इसका कोवेलेंट करेक्टर है क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। मीन्स कॉपर 1+ का एक्सेप्शनली जो कोवेलेंट करेक्टर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन देखा हमने अभी, सीएल और सीयूसीएल, अब इसे देखो सॉल्व करके देखते हैं, NaCl और CuCl। देखो इसे मुझे बताना है कि ज्यादा कोवेलेंट कौन है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी से ज्यादा कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो
सोडियम जो है Na प्लस की फॉर्म में, कॉपर प्लस की फॉर्म में। अब देखा हमने जो कॉपर है, कॉपर कहां पहुंच जाता है, सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में पहुंच जाता है। और जब सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में पहुंच गया तो इस केस में जो इसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा तो आयनिक कम, तो अगर ये आयनिक कम हो गया तो NaCl क्या है, ज्यादा आयनिक है, मोर आयनिक। तो अगर NaCl ज्यादा आयनिक हो गया, तो अगर मैं कोवेलेंसी की बात करूं तो CuCl ज्यादा कोवेलेंट है एज कंपेयर टू NaCl। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मुझे पता है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू CuCl। सॉलिबिलिटी की बात करूं, सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होती है आयनिक कंपाउंड की, तो NaCl की सॉलिबिलिटी ज्यादा एज कंपेयर टू CuCl। ठीक है, तो जो भी हमने समझा सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहां पर भी सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो जाए, वो कंपाउंड हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखने वाले हो जाते हैं। ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखने वाले हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल बी मोर कोवेलेंट। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास कॉपर सिंगल प्लस, तो कॉपर सिंगल प्लस ये एक्सेप्शनली मोर कोवेलेंट हो जाता है। एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, ये मोर कोवेलेंट हो जाता है। इसी तरह से इसी के जो भाई बंधु हैं Ag प्लस और Au प्लस, तो Ag प्लस में क्या हो जाएगा, 4s2 4p6 4d10, ये भी ऑर्गो का एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो 5s2 5p6 एंड 5d10। तो इस केस में तो ये भी कहां पहुंच गए, दे ऑल्सो अचीव द सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये लोग एक्सेप्शनली ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको दिख जाए कि कॉपर प्लस Ag प्लस और Au प्लस इस फॉर्म में आ रहा है, तो वो एक्सेप्शनली ज्यादा ही कोवेलेंट होंगे। और ज्यादा कोवेलेंट होंगे, उसके बाद तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी, ये हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो Ag2O Ag2S, ठीक है, तो दोनों में सिल्वर आ गया, क्या करें, सिल्वर को हटाओ फिर। तो यहां पर क्या गया, ये ऑक्साइड है और ये सल्फाइड है, दोनों में से बड़ा कौन है, यस सल्फर बड़ा है। तो देखो अब यहां पर दूसरा ग्रुप लगाओ, लार्जर साइज ऑफ अनायन मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तो Ag2O और Ag2S ज्यादा कोवेलेंट कौन है, यस Ag2S। ठीक है, सॉलिबिलिटी की बात कर लें, तो ये जो था हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर, तो Ag2S जो है वो ज्यादा कोवेलेंट है, इसका मतलब Ag2O ज्यादा आयनिक है। और Ag2O ज्यादा आयनिक है, इसका मतलब सॉलिबिलिटी की बात करें तो Ag2O की सॉलिबिलिटी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू Ag2S। तो ये हो गया मेरे पास सॉलिबिलिटी के लिए, दिस इज फॉर द सॉलिबिलिटी। ठीक है, सेम मेल्टिंग पॉइंट का भी हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट का भी आंसर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का आंसर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो एक पार्ट और इसमें बच गया है, ठीक है, दैट इज कलर इंपार्टिंग नेचर। देखो तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड दे फॉर्म मोर कलर्ड कॉम्प्लेक्स, मोर कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, ये मेरे पास चार आयंस हो गए। देखो तो इसमें से ज्यादा बेटर चटक कलर किसका होता है, आप सभी लोगों ने बीटाडीन देखा होगा, तो बीटाडीन का कलर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बीटाडीन जो होता है वो येलो कलर का होता है, और वी कैन से इट इज डार्क येलो। क्लोरीन जो है ये व्हाइट कलर का होता है। तो कलर कहां जा रहा है, एक कलरलेस कंपाउंड से कहां जा रहा है, एक डार्कर कलर की तरफ जा रहा है। ब्रोमीन के कंपाउंड जो होते हैं कैसे होते हैं, दे आर लाइट येलो, ब्रोमीन के कंपाउंड होते हैं लाइट येलो। तो देखो अगर मैं इनमें कोवेलेंसी निकालूं, लाइक मेरे पास अगर मैं NaF, NaCl, NaBr और NaI इनको ले लेता हूं, तो देखो Na तो हटा ही दूंगा। ठीक है, इन समय से सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आयोडाइड सबसे बड़ा है, तो और एनायन है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, सेकंड वाला, लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तो जो आयोडाइड है इसका जो कोवेलेंट करेक्टर है, कोवेलेंट करेक्टर वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा,
तो इट हैज हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर, और अगर कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा, तो इसीलिए जो कलर इम्पार्टिंग नेचर है, कलर इम्पार्टिंग नेचर वो भी क्या होगा ज्यादा, तो मोर द कोवेलेंट करेक्टर मोर विल बी कलर इम्पार्टिंग नेचर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, जैसे AGF, AGCl, AGBr और AGI। ठीक है, तो जो AGF है ये कैसा होता है, कलरलेस। AGCl का सॉल्ट आपने देखा होगा स्कूल में अपने, व्हाइट होता है। AGBr जो होता है ये लाइट येलो होता है, और आयोडीन के जो कंपाउंड होते हैं दे आर डार्क येलो। एग्जांपल बीटाडीन से दिखाई अभी आपसे भी, आप लोगों ने चोट ली होगी, कभी ना कभी लगाया होगा बीटाडीन। ठीक है, तो इट इज डार्क येल्लो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। देखो कोवेलेंट के लिए हमने अभी क्या क्या चीजें देख ली, अगर कोवेलेंट रहेगा तो जो कलर होगा, कलर इम्पार्टिंग ज्यादा होगा, डार्क कलर वाले कंपाउंड होंगे। इसके अलावा कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, इसके अलावा कोवेलेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम रहती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें निकालते कैसे हैं, फजान रूल से निकालते हैं। तो फजान रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फजान रूल से देखो तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं फजान रूल से, कि कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट कितना है, उसका उल्टा बोल लें, कोई भी कंपाउंड आयनिक कितना है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी कर सकते हैं, इसके अलावा कलर का देख सकते हैं। तो ये रिलेटेड टू फजान रूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और फजान रूल एकदम सिंपल है। ठीक है, तो अगर आप तीन जो उसके लॉज थे वो अगर आप याद रखोगे तो आसानी से आपके सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम फजान रूल से देख सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंसी, आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर। तो देखो एक बार जो अभी तक पढ़ा हमने उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा अभी तक। कि सबसे पहले डेफिनेशन, तो यूज किया जाता है, इट इज टू डिटरमाइन कोवेलेंट करेक्टर इन एनी कंपाउंड। एनी कंपाउंड में कोवेलेंसी को बताने के लिए, कोवेलेंट करेक्टर को बताने के लिए यूज किया जाता है, और ये क्वालिटेटिव डेटा देता है हमें, इट इज नॉट ए क्वांटिटेटिव। 10-20 गुना कितना है वो नहीं बताता, सिर्फ है कितना ज्यादा है बस ये बताता है, कितना गुना है ये नहीं बताता। ठीक है, इसके तीन रूल, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर विल बी पोलराइजिंग पावर एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, अनायंस का इसका उल्टा, लार्जर द साइज ऑफ अनायन मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी एंड हेंस मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। इसके अलावा मोर द चार्ज मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर हमने फिर कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी में आप इसके नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजें जितने भी टॉपिक्स बोले और जितने भी कंसेप्ट बोले, जैसे यहाँ पर सुडो नोबल गैस वाला आया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सुडो नोबल गैस के जो पोलराइजिंग पावर होती है एक्सेप्शनली हाई हो जाती है। ठीक है, तो जहां पर भी सुडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाए उस केस में उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा ही होगा, चाहे उसके बगल में कोई भी बैठा हो। ठीक है, और कलर इम्पार्टिंग नेचर देखा था हमने, कोवेलेंट कंपाउंड के ज्यादा होते हैं। ठीक है, जी हमने देख लिया था फाइनली उसका कंक्लूजन, कलर इम्पार्टिंग, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट आयनिक तो बता ही लेते हैं हम। तो ये फजान रूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ो आप। ठीक है, जितना भी पढ़ाया है उसके नोट्स बना के अगर आप चलोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल आपको, अगर फ्यूचर में रिविजन करनी रहे तो ज्यादा फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देख के तो आपको समझ आ जाएगा, मगर जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं तब तक आप उसको अच्छे से ग्रैप्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखते हो तो ब्रेन डबल वर्क करता है, सुनता भी है और लिखने में भी टाइम जाता है, उसमें भी वर्क करता है, तो इसीलिए ज़्यादा सेंसेस यूज होती हैं। तो जितना ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करेंगे आपको उतना ही समझ आएगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक द कंटेंट यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ठीक है।